आज हम लोग आजमगढ़ जिले में फूलपुर क्षेत्र से या पैदल या संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पैदल वहां से निकालते हुए हम लोग माहौल बाबा साहब की प्रतिमा के यहां आए हुए हैं। हमारे सहयोगी साथी विकास भाई और दानशील भाई, हमारे डॉक्टर संदीप और भाई मुकेश रावण और उनके सभी साथियों को मैं तहे दिल से यहां पे आए हुए सभी साथियों को तहे दिल से जय भी धन्यवाद करता हूं कि साथियों उन्होंने एक साहस दिया कि संकल्प यात्रा को निकाला जाए। हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो बहुजन समाज इतना ताकतवर है उनकी नसबंदी कर देगी, इस बात को याद रहे। संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम लोग 2 अप्रैल की तरह पूरा भारत बंद करेंगे, या तो हमें भीमा कोरेगांव को हराना पड़ेगा तो हम लोग दोहराएंगे। अपनी बार मनोरो पखंडियों की सरकार को हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, अपने समाज को एकजुट करने की सोचेंगे, अपने समाज को मजबूत बनाने की कोशिश। साथियों इस बात को याद रहे, हमारा समाज इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है कि उसको कोई हिला नहीं पाएगा, इस बात को याद रहे। जो मनवादी तुच्छ मानसिकता के लोग जिनके बाप दादाओं को संविधान लिखने की औकात नहीं थी, आज संविधान बदलने की बात करते रहे, होश में आ जाओ, इतनी लाठियां पड़ेंगी ना।